सो हे गाइज व्हाट्सअप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू वाडी चैनल राजस्थान फोटोग्राफी। गाइज आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ये बतलाने वाला हूँ कैसे आप लोग दो फोटो में एक साथ चेहरा लगा सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था लेकिन बहुत सारे भाई कमेंट करके ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर एक ही बार चेहरा यहाँ पर लगता है, दोबारा करने जाते हैं तो पैसा वगैरह मांगता रहता है। तो इसी के सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ, ये पार्ट टू वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि वीडियो को जरूर लास्ट तक देखती रहिएगा। तो चले ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मेरे भाई सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम को कुछ इस टाइप से ओपन करना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, RAZZ लिखना है। तो यहाँ पर नीचे में आपको सजेस्ट कर देगा मेरा आईडी, यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान फोटोग्राफी के नेम से। तो आप लोग यहाँ पर इस वाले आईडी को ओपन कर लेना और सबसे पहले यार क्या करना है, आप लोग अपने भाई को प्लीज़ यहाँ पर फॉलो कर लेना। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेरे आईडी के अंदर आपको बहुत सारे फोटो यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने 599 पोस्ट किया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फोटो वगैरह देखने को मिल जाएगा। जो फोटो मैं यहाँ पर एडिटिंग करता हूँ, यहाँ पर अपलोड करता हूँ, जो कि देख सकते हो कितना मस्त मस्त फोटो यहाँ पर अपलोड किया हूँ। तो आपको जो पसंद आता है यहाँ पर इसको आप लोग डाउनलोड करके अपने चेहरा आप लोग इसमें लगा सकते हो। तो अभी मैंने इस वाला फोटो को यहाँ पर लेटेस्ट में पोस्ट किया है, जो कि आप लोग को दिखलाता हूँ कौन सा फोटो है। ये वाला फोटो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड आप लोग स्नैप इंस्टा वेबसाइट से कर सकते हो। तो मैंने इस वाले फोटो को यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, जो कि आप लोग को दिखलाता हूँ। देख सकते हो ये वाला फोटो को मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। और इसमें आप चेहरा लगाने के लिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नेम फोटो लीप है। इस वाले ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना और इसको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ओपन करना। इसको ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में एडिट इमेज के नेम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसी वाले एडिट इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो फोटो को अभी हम लोग डाउनलोड किए हैं उसी वाले फोटो को यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो कि देख सकते हो मैंने इस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया है। और इसमें चेहरे को लगाने के लिए इसको यहाँ पर सबसे लास्ट में करना है, तो आपको यहाँ पर फेस स्विच के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उसी वाले ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो हल्का सा यहाँ पर वेट करना है। वेट करते ही कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, अपने चेहरे को लगाना है। तो इसके लिए इस वाले बॉय की फोटो पर क्लिक करना है इस टाइप से, और नीचे में ऐड फेस के ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका फोटो रहेगा उस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड करना है। अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, इस वाले बॉय की फोटो को ऐड कर लिया है और यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करते हैं। तो वेट करते ही वन क्लिक में आपका चेहरा यहाँ पर लग जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो इसको आप लोग फिर से क्लिक करोगे तो यहाँ पर और ये थोड़ा सा कस्टमाइज करेगा, तो अब ये बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, गर्ल वाले फेस के ऊपर क्लिक करना है और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके जिस गर्ल का आप लोग यहाँ पर चेहरा लगाना चाहते हो उस वाले गर्ल का यहाँ पर फोटो ऐड करना है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, इस वाले फोटो को ऐड करता हूँ जिसका अनुष्का सिंह का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना मस्त तरीके से चेहरा लग चुका है अनुष्का सिंह का भी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग डन कर लेते हैं। डन करने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर फोटो को इन्हेंस करना चाहते हो, यानी कि अपने फोटो को HD के अंदर बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको बगल में इन्हेंस के नेम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसी वाले इन्हेंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कुछ सेकेंड आपको यहाँ पर वेट करना है। तो वेट करते ही आपका फोटो यहाँ पर HD के अंदर बन जाएगा, जो कि देख सकते हो। तो यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से लेफ्ट साइड में करना है और यहाँ पर इसको डन कर लेना है। डन करने के बाद अगर आप लोग बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हो AI बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिया गया है, तो इसी वाले AI बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हो। बाकी इस वाले ऐप का फुल वीडियो चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगा। और फोटो को आप सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग अपने फोटो को यहाँ पर गैलरी के अंदर इजीली सेव कर सकते हो। और इस वाले ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का नेम राजस्थान फोटोग्राफी है।